मैं सोशल वर्क करने के लिए आया था, 50 साल की उम्र में राजनीति करने नहीं आया था। जैसे वैदिक काल में 50 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ किया जाता था, मैंने शहर से ग्राम प्रस्थ किया। और जब वहाँ आया तो देखा कि एक व्यक्ति अपने संसाधन से जो भी सामाजिक कार्य कर सकता है उससे कई गुना या कई 100 गुना ज़्यादा कार्य कर सकता है अगर वो राजनीति द्वारा एम्पावर्ड भी हो। और यही कारण है कि मैं राजनीति में प्रवेश किया। मैं संक्षिप्त परिचय चूँकि आप दे रहे थे, मैं परिचय में जोड़ दूँ कि मैंने सिर्फ IIT से पढ़ाई नहीं की थी, मेरा जन्म गाँव में हुआ था। मैं महुआ के पेड़ के नीचे पढ़कर IIT गया था, कोई कोचिंग क्लासेस से नहीं गया था, बहुत ही निर्धन परिवार से गया था। और इसके बाद मैंने उद्यमिता में कदम रखा और मतलब माता लक्ष्मी का भी बहुत प्रकोप बड़ा बड़ा अपने हमको ये आशीर्वाद मिला। इसके बाद मैंने तय किया कि वो सब अपने बच्चों को जैसे वानप्रस्थ में होता था गृहस्थ बनाकर अपने बच्चों को, मैं यहाँ आ गया, काम कर रहा हूँ, राजनीति उसमें जरूर उपयोग करता हूँ ताकि अधिक से अधिक मैं सोशल वर्क कर सकूँ। मुकेश जी, बॉलीवुड की चकाचौंध को छोड़कर क्या सूझी आपको कि राजनीति में आऊँ? मेरे लिए कह सकते हैं कि मैं बिहार में एक सामाजिक कार्य करने के लिए मैं आया हूँ, अपने लोगों को आगे लेके कोशिश किया कि मैं आगे लेके आऊँ। मैंने अपने जिंदगी बहुत संघर्ष करके मुंबई में अपने मुकाम को हासिल किया और राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। और कभी मैंने कल्पना भी नहीं किया, जब 2012 या 14 के बीच में मैं वहाँ बॉम्बे में रहा तो कभी कल्पना भी नहीं किया कि मैं बिहार में राजनीति में एंटर करूँगा। लेकिन हालात, समय, परिस्थिति ऐसा बना दिए कि मैं आज राजनीति में हूँ। एक उद्देश्य से मैं आया हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैं 2014 में मोदी जी के स्लोगन सुनकर और मुझे काफ़ी गर्व हुआ कि पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और शायद हम लोगों का भी आवाज़ सुनेंगे। और उस उद्देश्य से मैं बिहार आया और लड़ाई लड़ते रहा, संघर्ष किया, लोगों ने समय समय पर वादा किया और काम निकलने के बाद सब लोग भूलते गए तो फिर हमने और लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखे। जिस तरीके से मैंने मुंबई में 900 रुपये महीने पे नौकरी कर और अपने संघर्ष को मैं जारी रखा और एक दिन वो समय आ गया कि मैं कामयाबी हासिल कर लिया, उसी तरीके से बिहार में मैं अपना संघर्ष करते रहा। और मुझे लगा कि जो हमारी आवाज़ है, जहाँ तक सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, वो जगह पे खुद अभी जाने की आवश्यकता है और खुद वो काम आप कर सकते हैं अगर आपके पास विजन है तो। और मैंने 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसका जो आंदोलन था आरक्षण दिलाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया 18 में। और आज हम महागठबंधन के साथ हैं और मजबूती से जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी में एक नीचे स्तर पे 18 साल की उम्र से संघर्ष करके 10 साल में मैं अपने जिंदगी में जीरो से शिखर तक मैंने पहुंचा, उसी विजन के साथ बिहार में हमें मौका मिलेगा तो जीरो से शिखर तक पहुंचाऊंगा, ये हौसला हमें है। तो अब चूंकि आप दोनों राजनीति में आ ही गए हैं तो चलिए विकास की राजनीति की बात को आगे बढ़ाते हुए सवालों का सिलसिला और शुरू करते हैं। ये बताइए सचिदानंद राय साहब, बिहार कब तक विकासशील राज्यों की श्रेणी में ही रहेगा? 15 साल का लगातार जिक्र हो रहा है। चूंकि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हुए इस चीजों को समझते हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि कमी आखिर कहां रही है कि हम अभी भी विकासशील श्रेणी में बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, और कितना साल आपको लग सकता है इसको विकसित राज्य की श्रेणी में? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने काफी विस्तार से इस बात पर चर्चा की और एक उन्होंने दिखाया, सिर्फ एक, कि जिस तरह से बिजली घर घर पहुंची, गांव गांव ही नहीं घर घर पहुंची, वो एक अकेला कारण है 15 साल को जस्टिफाई करने के लिए 15 साल हमने अच्छा काम किया। लेकिन मैं उससे बड़ी उपलब्धि मानता हूं जब सड़कों पर जाता हूं, बिहार की सड़कों पर, खासकर पिछले 15 साल में, और जब सड़कों पर साइकिल चलाती हुई लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा होती है तब मेरा सीना जो है गर्व से फूल जाता है। जब मैं किसी पंचायती राज व्यवस्था में आता हूं, मैं उनका चुनाव प्रतिनिधि हूं, और 50% से अधिक पदों पर जब मैं महिलाओं को पाता हूं तब मेरा सीना जो है गर्व से फूल जाता है। आज पटना की मेयर भी यहां बैठी हुई थी, वो भी आधी आबादी से आती हैं। इस सरकार ने विशेष रूप से उस आधी आबादी को जो एक आवाज देने का काम किया, उनको एक और बता दूं, मैं आंकड़ा बता दूं, 2001 में सेंसस में जो भी लिटरेसी रेट था उसमें महिलाओं का लिटरेसी रेट करीब करीब 33% था, जो कि 2011 में बढ़कर 68% हो गया। मतलब कि थोड़े समय में जितना महिलाओं के लिए शिक्षा का काम किया गया, मैं मानता हूं गुणवत्ता की कमी है,
मैं माधव आनंद जी, आपने कहा ना कि कमियों को पता करना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती जो अगले कार्यकाल में होगी वो यही होगी कि शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरह सुधार किया जाए। लेकिन जहां 33% महिला लड़कियों को ही शिक्षा मिलता हो, जहां पूरी लिटरेसी रेट 50% के आसपास हो, वहां सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे उन बच्चों को, खास करके वो गरीब घर के बच्चे होते हैं और लड़कियां तो और भी गरीब घर की होती हैं, जिनको स्कूल पहुंचाया जाए। तो इस मामले में सरकार ने बड़ी ही अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है। आज का आंकड़ा तो और ही बढ़िया होगा, मैं 11 का आंकड़ा बता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद जो चुनौती होगी वो होगी किस तरह से उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी दी जाए। रोजगार की बात भी है, मैं बहुत व्यथित हूं कि बिहार सर ये सारी चीजें एक साथ क्यों नहीं चल पाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले, पढ़ने के बाद फिर रोजगार भी मिले, आप ये बताइए फिर तभी तो पलायन की स्थिति पैदा होती है। ये सारी चीजें एक साथ क्यों नहीं चल पाती और हम बार बार 15 साल से यही बात क्यों रिपीट करते रहते हैं, यही सवाल क्यों उठाते रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी बताया था कि जितना घनत्व है हमारे यहाँ आबादी का 1102 2011 में था, आज शायद वो 1202 पहुंच गया होगा। आपको बता दूं बांग्लादेश अकेला एक देश है जिसकी आबादी का घनत्व बिहार से थोड़ा अधिक है, करीब 1107 के आसपास है। तो हम आबादी के घनत्व से लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने पलायन के बावजूद हमारा आबादी घनत्व बहुत अधिक है, इसलिए जमीन की कमी तो है, बड़े उद्योग यहाँ नहीं लग सकते। लेकिन श्री सुब्रमण्यम ने जिस तरह से आजादी के बाद हरित क्रांति लाया था, अब जो नई हरित क्रांति होनी चाहिए वो होनी चाहिए सॉइल टू मार्केट। मैं जरूर अगली सरकार से अपेक्षा रखूंगा कि ये किसानों के फसल को, किसानों की उपज को कितनी जल्दी मार्केट तक पहुंचाएं। अगर 24 घंटे के अंदर पेरिशेबल गुड्स मार्केट में पहुंच गए तो कोई कारण नहीं है कि यहां से कोई पलायन हो, क्योंकि अगर एक एकड़ भी खेती करने वाला कोई किसान होगा तो इतना कमा लेगा कि उसे जाकर दिल्ली के नरकी जीवन जीना नहीं पड़ेगा या गुजरात में जाकर मुकेश सैनी जी, इतनी उपलब्धियां यहां सच्चिदानंद राय साहब बता रहे हैं लेकिन कहां पर हमारा बिहार खड़ा है हम देख रहे हैं। आपका जो गठबंधन है उसका क्या विजन है, आपको, आपके प्रत्याशियों को, आपके गठबंधन के दल को, आप अगर एक साथ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो बिहार की जनता क्यों वोट करें, क्या खाका है आपके पास? देखिए 2005 के बाद एनडीए की सरकार आया और मैं कह सकता हूं कि मैं उस समय में मुंबई रहता था तो बिहारी हूं मैं, ये बोलने में मुझे झिझक होता था और मैंने 13 घंटा लगता था, मैं मुंबई से 2 घंटे में पटना पहुंच जाना और 13 घंटा लगता था हमको दरभंगा जाने में। उसके बाद 5 से लेकर 12 तक विकास हुआ बिहार में और 12 के बाद आपस में लड़ाई, सिर्फ पावर में रहना है, सत्ता मेरे पास रहना है, इसकी लड़ाई आज तक चल रहा है 2020, यानी कि 7 साल बीत चुका है। और जो व्यक्ति राजनेता, चाहे मुकेश सहनी हो या नीतीश जी हो या सुशील मोदी जी हो, जो व्यक्ति अपने सत्ता, अपने पावर के लिए लड़ सकता है वो व्यक्ति कभी बिहार का भला कर ही नहीं सकता है। तो आज क्या हो रहा है कि अपने सत्ता पावर के लिए लोग लड़ रहे हैं, बिहार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो एक बात बताइए, आपने अपनी पार्टी का प्रत्याशी अलग क्यों दिया आरजेडी के खिलाफ जबकि आप गठबंधन में, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं देखिए, हमारी पार्टी अपनी अलग विचारधारा से है, हम सहयोगी दल हैं, हम किसी पार्टी का वर्कर नहीं है। और हम जब सत्ता में अगर आगे चलना है तो एक साथ में एक सम्मत बना के और आने वाले समय में राजनीति करके और फ्रंट में आके राजनीति करना, और जिस पार्टी का जो विचारधारा, चाहे आज जैसे एनडीए की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एजेंडा है राजनीति करने का, तो वो जब तक फ्रंट फुट पे आके राजनीति नहीं करेंगे, जब बैक फुट पे रह के राजनीति करेंगे, जब उन किसी के सहयोग से सरकार चलाएंगे, वो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। तो हमने हमारे गठबंधन के साथ, हम हैं, हमारे पास ताकत था और हमने, हमारा हक अधिकार बनता था एक सीट, हमको वहां लड़ना था, वो सहयोगी से नहीं बन पाया, हमने वहां दोस्ताना संघर्ष किया और अपनी ताकत को हमने वहां पे सिर्फ दिखाया। लेकिन आने वाले समय में गठबंधन होगा, सही तरीके से होगा और बिहार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देखिए पॉलिटिकल पार्टी से हटके ये सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे विकास कैसे हो। अभी हम आदरणीय, मेरा सवाल यही था कि आप लोगों का विजन क्या है, विजन है, दूरदृष्टि है। अभी हमने आदरणीय सुशील मोदी जी को हमने सुना, उन्होंने बोला कि बिहार में 5 बीघा जमीन भी हम नहीं दे सकते हैं इंडस्ट्रियल के लिए। आप बेगूसराय चले जाइए, काबर में 6,000 एकड़ जगह आप सरकार का, बिहार सरकार का, आप 1,000 फैक्ट्री लगा सकते हैं। पिछले 15 साल से माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत कोशिश किया लेकिन इन्होंने कन्विंस नहीं कर पाए और यहाँ पे इंडस्ट्रियल नहीं आ पाए। जब तक आप एक बड़े विजन के साथ यहाँ पे उद्योग धंधा जब तक नहीं आएगा तब तक बिहार आगे नहीं जाएगा। ये गलती 1956 में हुआ था,
जब बिहार झारखंड एक ही राज्य था, 1956 में एक गलती हुआ कि जो भी बिहार में माइनिंग होता था उस समय में उस समय के राजनेता ने एक पॉलिसी गलत किया कि आप माइनिंग कीजिए, खनन आप दूसरे स्टेट लेके जाइए और ट्रांसपोर्ट जो खर्चा होगा वो बिहार सरकार आपको भरपाई करेगा। अगर उस समय में वो पॉलिसी में सिर्फ क्वेश्चन डाल देता कि खनन कीजिए लेकिन बिहार में इसका उपयोग कीजिए और जो अगर बाहर लेके जाते उसके ऊपर हम ट्रांसपोर्टिंग सब्सिडी नहीं देंगे, तो मुझे लगता कि बिहार और झारखंड मिला के आज बिहार में हजारों फैक्ट्री खुल गया रहता। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनेता का विजन का कमी रहा जो आज बिहार हमारा बहुत पीछे है। तो हम चाहेंगे कि ऐसी गलती आज जैसे 2013 तक सरकार अच्छा चला, उसके बाद आपस में लड़ गए, 2015 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हर स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने नीतीश जी को कोसे। मैं बिल्कुल इसी का जवाब लूंगा। सच्चिदानंद राय साहब, आप समझाइए जरा हमें कि आखिर वो कौन से कारण है, वो कौन सी वजह है कि रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है? आखिर क्या वजह है कि जब लगातार आपके सहयोगी कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और वादा भी एक तरह से वो याद दिलाते हैं कि आपने कहा था कि मदद पूरी तरह से की जाएगी बिहार की, डबल इंजन सरकार का बार बार जिक्र करते हैं, हमें भी सवालों में बार बार जिक्र करना पड़ता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार उस रूप में आगे काम करती ही नहीं दिखाई दे रही, या फिर यूं कहें कि केंद्र का सहयोग नहीं दिख रहा है? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर तो मुकेश जी ने पहले ही दे दिया है। हम दोनों बिहार के बाहर रहे हैं 18 साल की उम्र के बाद, ये मैं थोड़ा और पहले से, और सही में उन 15 वर्षों में बिहार आने में भय लगता था। तो कई कारणों से, चंपा विश्वास जारी कहानी आप जानते ही हैं, सड़कों की बात उन्होंने खुद स्वीकार कर ली, बिजली लालटेन भी नहीं, डिबरी का चलता था, जहां तक प्रकाश की बात है। तो सरकार के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थी और फंडामेंटल चुनौतियां थी। गुणवत्ता की बात तो बाद में करते, पहले उपलब्धता की बात थी। तो जैसे बिजली पानी सड़क पर काफ़ी काम हुआ, अब कम से कम उसकी चर्चा तो लोग नहीं करेंगे, बिजली सड़क पानी की प्रशंसा तो हमारे विपक्षी भी करेंगे। मैं बता दूं, एक आंकड़ा दे रहा हूं, मैं छपरा से आता हूं, मैं छपरा मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरा सारण जिला, वहां मैंने दिसंबर महीने में 1222 सड़कों की अनुशंसा की थी, सारे के सारे सड़कें या तो बन रही हैं, बन चुकी हैं, और अभी उसके बाद मैंने 8000 सड़कों की अनुशंसा की है, वो सारी सड़कें रिपेयरिंग की सड़कें हैं या 300 फुट से 800 फुट की अंतिम लास्ट माइल जिसको कहते हैं लास्ट माइल की सड़कें हैं, उनका ऑलरेडी DPR प्राकलन बन गया। तो सरकार की प्राथमिकता में है बिजली सड़क पानी, वो हो चुका है। इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने देखा लिटरेसी रेट किस तरह से जंप किया, लिटरेसी रेट कैसे गया, कहां तक पहुंचा, किस तरह से आधी आबादी, क्राइम का रेट भी देख रहे हैं हम जी, क्राइम का रेट भी देख रहे हैं। क्राइम का रेट जरूर चिंताजनक है। मैं अभी बेबाकी से लगातार आवाज रख रहे हैं। मैं पांच प्राथमिकताएं सरकार के लिए बताता हूं, अगर मुझे अगर कोई सुने तो। एक तो क्राइम को इमीडिएटली अंडर कंट्रोल आना पड़ेगा, उसके लिए जो भी करना है वो करना है, क्योंकि क्राइम किसी भी राज्य को आगे बढ़ने नहीं दे जा सकता है। दूसरी, शिक्षा में किस प्रकार से गुणवत्ता, अब गुणवत्ता को भी लाया जाए, उस पर भी काम हो रहा है लेकिन और उसे तेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेधावी छात्रों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। तीसरी, स्वास्थ्य, चमकी बुखार तो एक घटना है जिसको हम लोग देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जितनी खराब स्थिति रही है या अभी भी सुधार के बावजूद जितनी खराब है, टेक्नोलॉजी को आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, कुछ टेलीमेडिसिन को घुसाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त चिकित्सक और पैरामेडिक्स नहीं है। एक तो चिकित्सक नहीं और डॉक्टरों को फिर सस्पेंड भी किया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है। सस्पेंड नहीं करेंगे, आपको पता है डॉक्टरों की क्या स्थिति है, मैं तो जनप्रतिनिधि के रूप में झेलता हूं, 6 दिन नहीं जाते हैं, 7वें दिन जाकर अटेंडेंस बना देते हैं, उनको सस्पेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पूरे सारे अस्पताल आयुष डॉक्टरों के दम पे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज नहीं खुले थे, मेडिकल कॉलेज तो आज खोल के कल डॉक्टर पैदा नहीं करने देंगे। तो अभी आपको टेक्नोलॉजी छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाहर से डॉक्टर लाके आप यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं चला सकते। इसलिए मेरा आग्रह है कि टेलीमेडिसिन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें व्यवहार में लाना चाहिए। और दूसरी, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, पर्याप्त नहीं है, स्किल डेवलपमेंट को एक मुहिम के रूप में चलाना पड़ेगा, ताकि शिक्षा के साथ साथ, तालीम के साथ साथ हमारे बच्चों को हुनर भी मिले और यहीं पे काम कर सकें। और पांचवी प्राथमिकता जो मैंने बताया, सॉइल टू मार्केट पे काम करना पड़ेगा, हमें लास्ट माइल कैसे खेत में से ही उपज को उठा लिया जाए और वहीं से पैकेजिंग करके, और हमारे पास में इस तरह के रिफर वैन्स और टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हों जिनके माध्यम से हम सीधे मार्केट में जाते। आज देखिए, आज बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, अब जितने मॉल्स, मैं तो डेवलपर हूं, मैं तो रियल स्टेट डेवलपर हूं, कई मॉल में बना भी चुका हूं, बना भी रहा हूं, मुझे पता है कि आजकल हाइपर स्टोर 50,000, 60,000, 70,000 स्क्वायर फीट के हाइपर स्टोर बन रहे हैं, जिसमें केवल खाने के सामान का बड़ा बड़ा सेल्फ रहता है। अगर हम यहां से सीधे अगर सॉइल से उस सेल्फ तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दें तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जमीन नहीं है, सत्य है। और दूसरा, एक छठा एक और जोड़ना चाहूंगा,
बिहारी होते बड़े मेधावी हैं। आज इंडस्ट्री में ये हम सब जानते हैं 60% जीडीपी में योगदान किसका है, नॉलेज इंडस्ट्री का है। हम नॉलेज इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की दिशा में हमें काम करना चाहिए। मुकेश सैनी साहब, आपकी क्या प्राथमिकताएं? और दूसरी तरफ ये भी चीज कि अमूमन देखने में यह आता है कि जब केंद्र में दूसरी सरकार होती है और फिर राज्य में कोई दूसरी सरकार चुनकर आती है दूसरे दल से या गठबंधन से, तो यही कहा जाता है कि खजाना खाली है, सहयोग नहीं मिल रहा है। तो वो प्राथमिकताएं आपकी जो कि पूरी कर पाए बिना किसी सहयोग के और अपने दम पर, और क्या संभावनाएं हैं इसकी? नहीं देखिए, कभी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से कोई भी स्टेट डेवलप होता है। रहा कि राज्य सरकार भी अगर अपने ईमानदारी से अगर काम करे तो केंद्र सरकार भी सहयोग करते हैं इसमें, ठीक है पॉलिटिकल भाषा से लोग कह देते हैं कि हमारा सहयोग नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कहीं पे हो भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम सहयोग रहता है। रहा कि बिहार में को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पहले है कि आपको इंडस्ट्रियल लाना पड़ेगा और उसके लिए आपको व्यवस्था करके देना पड़ेगा। और सरासर आप गलत कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, आप हजारों एकड़ जगह आपको चाहिए, आप हमसे एग्रीमेंट कीजिए, मैं आपको हजारों एकड़ जगह मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बिहार में बहुत सारा लैंड, बिहार में तो जमीन इतना सस्ता है कि मुंबई का 1,000 square feet बिहार का 1 बीघा जमीन का बराबरी का रेट है। आप कोसी में चलिए, आपको 3 लाख 4 लाख रुपए बीघा जमीन, आज जितना 1,000 बीघा चाहिए उतना जगह जमीन मिल जाएगा आपको। जमीन उपलब्ध है, आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए कि आप इंडस्ट्रियल को बिहार में लाने का, ठीक है, और उसको एक पॉलिसी के तहत लाना पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी जी ने नैनो कार गुजरात लेके चले गए, उनको सब्सिडी देना हो या फैसिलिटी देना हो सरकार की तरफ से, तो ये राज्य के भी सरकार को बड़े कोई उद्योग लगाने के लिए आएंगे तो उसको आपको गारंटी देना पड़ेगा। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई करोड़पति अरबोंपति बिहार में आए और फिर गोली का शिकार हो जाए तो कोई नहीं चाहेगा कि बिहार में आके बिल्कुल वो बिजनेस फैक्ट्री लगाए। आपको लॉ एंड ऑर्डर सही करके आपको गारंटी देना पड़ेगा कि आपके जान का सुरक्षा हम करेंगे। उसके साथ स्टार्टिंग में बिजनेस कोई भी करेगा तो वहां पे शायद हो सकता है उसका उतना व्यापार अच्छा नहीं होगा, तो कुछ साल के लिए आपको रिलीफ करना पड़ेगा, उसको सब्सिडी देना पड़ेगा कि आप आइए हम आपको जीएसटी में 50% का सब्सिडी दे देते हैं। राज्य सरकार को सपोज 18% में 9% मिलता है, 9 में से 4.5% आप उनको दे दीजिए। तो मतलब पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा, और हम लोग तो 1 रुपया से करोड़ों बनाने वाले व्यक्ति है, ठीक है, खाली एक बार बिहार की जनता को मौका दे दे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी रघुवंश बाबू भी बैठकर गए और शराबबंदी को लेकर उन्होंने लगातार हमला किया कि क्या कुछ हो रहा है, इस पर मेरा आपसे सवाल यह है कि आप महागठबंधन के हिस्सा हैं, अगर आपकी सरकार बिहार की जनता बनाती है तो शराबबंदी पर महागठबंधन का क्या टेक होगा? ये मत कहिएगा कि हम मिल बैठकर तय करेंगे, वीआईपी का क्या इसमें मानना है? नहीं देखिए, शराबबंदी एक अच्छा, क्योंकि बड़ा नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। नहीं देखिए, शराबबंदी जो हुआ है एक गरीब के लिए अच्छा हुआ है, घर घर तक जो रोज लड़ाई झगड़ा दुनियादारी हो रहा है तो वो चीज से दूर हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि शराब हम ओपन कर देंगे, लेकिन एक पॉलिसी बन सकता है, जैसे 5-star होटल है कि यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी गरीब को समस्या नहीं है, आप यहाँ से बिजनेस भी तो बाहर चला जा रहा है, करोड़ों का नुकसान है, तो एक अच्छी पॉलिसी और जनता के बीच में पहले जाना है कि जनता को क्या अच्छा लग रहा है, कि हो सकता है मेरे नजरिया से ये चीज अच्छा है लेकिन जनता के नजरिया से वो अच्छा नहीं है। तो कोई चीज अगर सेंसिटिव चीज है तो उसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता जिस चीज के लिए अगर कह देते हैं कि नहीं इसको पॉलिसी में चेंजिंग करना चाहिए तो हम करेंगे, नहीं बोलते तो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है, इसको आप छोटे से दायरे में नहीं लेके जा सकते। रहा कि इसके शराबबंदी के अलावा बहुत सारे चीजें हैं, आप बहुत सारे चीज आज बिहार से 18 साल में मेरा सवाल इसलिए था कि ये सवाल इसलिए था मैं बिल्कुल क्योंकि इसमें रिवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होता है, और जैसा आपने कहा कि आंशिक शराबबंदी करके भी उपाय निकाला जा सकता है, नुकसान हो रहा है। आप इस पर सर जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं बिल्कुल अभी मुकेश भाई ने चैलेंज किया कि जमीन जितना चाहिए ले लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार अगर चाहे तो जमीन ले सकती है, लेकिन जितना घनत्व है यहाँ पर आबादी का, विकास के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस करना भी सरकार का कर्तव्य होता है, कितने लोग विस्थापित होंगे ये भी देखना पड़ता है, उनको फिर रोजगार कहाँ मिलना है भी देखना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा था कि आज के जमाने सर, में ऐसे ही करके महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक और दक्षिण के राज्य बने हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बोल्ड स्टेप तो उठाने ही पड़ेंगे। बहरहाल आप ये बता दीजिए, गुजरात में कृषि कितना था साहब जी, एक ये बताइए सर कि आप 2020 में बिहार में किसकी सरकार देखते हैं, और क्या हम उस सरकार में सच्चिदानंद राय जी को मंत्री बनते देखेंगे? सच्चिदानंद राय ने पहले ही कह दिया कि मैं अपने आप को पॉलिटिशियन ही नहीं मानता हूं, तो मंत्री तो उसमें आता ही नहीं कहीं बीच में। अब कोई बनाए और ऐसा कुछ बताए कि हाँ आपको मैं जिम्मेवारी दे रहा हूं, अच्छा, तो बनाए तो ठुकरा देंगे। नहीं नहीं, अगर जिम्मेवारी के साथ कहा कि ये काम आपको देता हूं तब,
मैं पुतला वाला मंत्री किसी भी मंत्रिमंडल में नहीं बनूंगा। किसी का भी मंत्रिमंडल हो, एक ही व्यक्ति सारा निर्णय लेगा, बाकी लोग पुतले की तरह बैठे रहेंगे, उस मंत्रिमंडल का सदस्य सच्चिदानंद राय नहीं बनेगा। आपने 15 साल पे बराबरी पर अभी मुकाबला है, क्या लगता है कि अगला 5 साल किसका होने जा रहा है? हो रहा है भाई, इसमें कहां समझ नहीं आ रहा है। 15 साल का आप हिसाब दीजिए, आप हमको दीजिए 15 साल का जितना पूरे बिहार का बजट होगा, आज उससे ज्यादा बिहार का एक साल का बजट होता है। और आप बोलते कि पुराना हिसाब आज का हिसाब में बराबरी कीजिए, कैसा तुलना कर सकते हैं आप? आप आज क्या कर रहे हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट आपके पास आया है, पूरा देश कितना आगे बढ़ रहा है और आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप उनका आप आकर डाटा दीजिए। आप 15 साल पुराना, आज मैं अच्छे बच्चे, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मेरे पिताजी हमको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाए, मैं पिताजी से जाकर लड़ूंगा कि आप मेरे को अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाए? भाई उस समय का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज आपको नीति आयोग के रिपोर्ट पे जाके आप देखिए कि क्या कर सकते हैं। और खास करके एनडीए, जब तक एनडीए में भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट में आके नहीं खेलेगा, तब तक बिहार में कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, 15 साल की बात भले ही हो, लेकिन जब 2015 में चुनाव हुआ था और जो वादे किए गए थे, और जब 2020 में सरकार बनाने के लिए या सरकार बनवाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता भी जो है 2015 में किए गए वायदों को देखेगी, 2015 में जो भी उम्मीदें उन्होंने जताई थी सरकार से या गठबंधन से उसको देखेगी, वो पिछले 15 साल का मुझे नहीं लगता कि हिसाब किताब देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सैनी साहब, सज्जन राय साहब, आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ आग्रह करना चाहूंगा अपने रेजिडेंट एडिटर जी बिहार झारखंड चैनल के बिहार रेजिडेंट एडिटर स्वयं प्रकाश जी का कि हमारे दोनों माननीय मेहमानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर, उनको मेमेंटो देकर उनका आभार व्यक्त करें। प्लीज